गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रीडेटर के व्लॉग्स। तो मेरा वाला व्लॉग तो देख लिया होगा आपने, पता है कुछ लोगों ने अभी भी नहीं देखा। अरे भाई देखो जाके यार उसको भी। ओ मैं तो जा रहा हूँ घर पे, मेरी ट्रिप पूरी हो गई थी, दो दिन की थी। अरे बड़ा मजा आया सही में। तो बस अब हम लोग रास्ते में अपने घर बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे पैदल की डिस्टेंस है। हाँ हाँ मजा आ रहा है एकदम पैदल घूमने में भी। फाइनली मैं अपने घर वापस आ गया। वाईफाई तुझे याद किया था बहुत, तेरे बिना तो लोग मतलब क्या ही बताऊं। सक्सेसफुली मैं अपने घर वापस आ चुका। अब सबसे पहले फोन कॉल्स करनी है कुछ लोगों को कि हाँ मैं अच्छी तरह घर पे पहुंच चुका हूँ इस्लामाबाद वन पीस के अंदर। सही बता रहा हूँ, मैंने तेरे को ना बहुत मिस किया था कल। मैं ऑन टाइम घर तो पहुंच गया। प्यारी मम्मी ने ना मेरे लिए पूड़ी बनाई है, मतलब मैं इतने दिन से पूड़ी खा रहा था और मम्मी ने फिर से पूड़ी बना दी है। अब इसको चाय के साथ खाएंगे और फिर आराम से इसी बेड के ऊपर सो जाएंगे। मुझे ये भी पता है तूने मुझे मिस किया होगा। भैया क्या बोलते। तो दिवाली पास में आ रही है और है कल धनतेरस है, धनतेरस में तो भीड़ होगी, तो एक दिन पहले शॉपिंग कर लेते हैं हम लोग। और ये मेरी मम्मी का आइडिया है कि एक दिन पहले जाने का, वरना मेरा तो मतलब भीड़ वाले टाइम में जाने का ज्यादा होता है। तो मैं सुबह आया था यहाँ पे और देखा एकदम क्लीन कर दिया यहाँ पे एकदम सब, इस साइड में घास वास भरी हुई सब एकदम प्लेन कर दिया भाई। ओह शिट मेरे ग्लव्स, यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने पेंट के लिए करे थे यूज। गाड़ी बहुत गंदी हो गई, थोड़ा साफ करके फिर मार्केट चलते हैं। ओए यार तेरा छेद तक पहचान ले। इस पे पानी डाल दिया, अब पानी निकलेगा और फिर इसका शीशा एटलीस्ट साफ हो ही जाएगा। अब मेरे ना शूज रहना है, शूज पहन लेते हैं। अब हम दो दिन के शहर के बाहर क्या गए, गाड़ी की तो ऐसी रट मार दिया यार। गाड़ी अंदर से तो ऑलमोस्ट साफ है लेकिन बाहर से मतलब यहाँ पे मिट्टी हो जाती है, सब गंदी हो जाती है और मुझे इस बात का बहुत दुख है। जल्दी आओ। चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जय माता दी। सबसे पहले मास्क इम्पोर्टेंट है, गाजियाबाद में दिल्ली NCR गुरुग्राम जहाँ भी नोएडा मोरगा सब इम्पोर्टेंट है। सो अब निकल रहे हम लोग मार्केट की तरफ और मास्क पहने, मम्मी मास्क पहनो प्लीज आप। और सबसे पहले यार मैं हमेशा सीट बेल्ट, गाड़ी चलने के बाद ही याद आती है सीट बेल्ट लगा लो। मैं जब भी ड्राइव करता हूँ मम्मी को बड़ी टेंशन होती है, बल्कि मैं सेफली ड्राइव करता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सेफली ड्राइव करता हूँ क्या बताऊँ अब मैं, मम्मी को बड़ी टेंशन होती है। पीछे बैठ जाती है, यही पे बैठती है हमेशा ताकि उनको आगे का भी दिखे, ये साइड के मिरर्स भी दिखे, पीछे ये वाला जो बैक व्यू मिरर है वो भी दिखे। कभी कभार लगता है मैं गाड़ी नहीं चला रहा, मम्मी गाड़ी चला रही होती है। जस्ट लाइक मेरे हाथ में है व्हील लेकिन वो माइंड कंट्रोल कर रही है मेरे को। मम्मी सच्ची में 40 की स्पीड चल रही, देख सकती हो आप आराम से। क्या सामने वाले को कौन सा मैं ठोक दूंगा, सामने वाले। तो अब दिवाली के लिए सबसे पहले हमारे घर में चादर बहुत पुरानी हुई है, तो पहले चादर ले रहे हैं। मम्मी बार्गेनिंग में लगी हुई है। मिस स्माइली आप अकेले रहे होगे आप, है ना। हेलो मिस स्माइली। ऐसे क्यों देख रहे हैं भाई, कुछ तो बात है। तो अभी आपने व्लॉग देखा, अब बताओ ये व्लॉग कैसा था। बहुत अच्छा था, अभी गाड़ी पे फोकस कर रहा हूं। हां ठीक है, वो तो कर ही रहे ना फिर तो फोकस। गाड़ी चला रहा। आज तो बिल्कुल जगह नहीं दिख रही है, हे भगवान कृपया करके हमें जगह दिला दे। अभी तो है ना रिस्क पे लगा के जा रहे हैं, गाड़ी से ही बता रहे हैं, अगर उठ गई ना तो कुछ कह नहीं सकते। फिर तो सीन ये होगा, यहाँ पे पार्क कर देना शोरूम के सामने और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे तो वो वाला भी चेक कर लो, वो वाली डबल सिक्योरिटी चेक करो ना, हम पे भरोसा तो है ही नहीं बिल्कुल, है ना। तो वहां थी, अब इसको ना यहाँ लगाने का प्लान कर रहे हैं, चलो फिर लगा ही लेते हैं। यह है मार्केट चक्रव्यूह और मुझे ये बहुत ही बुरा लगता है। मम्मी फिर आ गई अपनी वाली दुकान पे, ये शॉप के ओनर है, इनका नाम है माधव भैया। उस दिन हमें पता कि लेना क्या था तो हमें 2 घंटे लग गए। आज मम्मी को पता भी नहीं है कि लेना क्या है, अब वो ढूंढ रही है, तो आज 4 घंटे तो यहीं पे गए। मम्मी कितने घंटे जाएंगे आज? आज तो मम्मी ने जादू कर दिया, बहुत जल्दी कर दिया आज आपने तो। राधे राधे। फाइनली मम्मी ने शॉपिंग कर ली है कुछ घंटे के बाद। आज तो भाई हद से ज्यादा भीड़ है भाई, उस दिन से भी ज्यादा। क्या यहाँ पे सो रही है क्या? मम्मी को ये चीज अट्रैक्ट करती है और मम्मी लग गई अपने काम पे। यहाँ पर खुले में इतना हाल है और मम्मी मुझे यहाँ पे घसीट के ले जाना चाहती है। मम्मी ऐसा ना करो, बार्गेनिंग एक्सपर्ट मेहनत कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, हाइड्रेट रहने दो। बार्गेन एक्सपर्ट लगी हुई है अपने काम पूरा करने में। आई लव हर द मोस्ट। आटा खील खिलौने गोला झाड़ू फूल झाड़ू नारियल झाड़ू हरा नारियल साबुत धनिया मिर्ची जीरा हल्दी लाल मिर्च कसूरी मेथी मीट मसाला अबरी मंदिर का सजावट झालर लाइट सब ये हमें लेके आना है क्या कल?
इसको इसमें डालो। क्या कर रहे हो? अरे 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 चेक नहीं करूं। चेक भी करना जरूरी होता है, डबल चेक करना चाहिए ना। अब मैं तो जा रहा हूँ गाड़ी के पास और मम्मी मुझे मिल जाएंगी मार्केट के एंड पे। चलते हैं यार, मैं थक गया हूँ पता है। मैं ना सुबह सोचा था कि 6-7 घंटे की नींद लूंगा, लेकिन मैक्सिमम मैं 3 घंटे सोया हूँ बस। एक अच्छी बात है, हमारी शॉपिंग तो होगी एटलीस्ट। जितनी जितनी देर मैं यहाँ पे रुकता जा रहा हूँ ना, उतनी मुझे रश बहुत बुरा लग रहा है सीरियसली। पैदल जाने की तो जगह है नहीं, गाड़ियाँ क्यों नहीं लेके रख रहे हैं यार यहाँ पे। हाँ स्ट्रगल करो, ई रिक्शा वाले बड़े प्रो ड्राइवर होते हैं। सही में रिश तो गाड़ी। अब पता है एनर्जी कैसे मिलेगी मेरे को? मैं जा रहा हूँ गोलगप्पे की दुकान पे, खाएंगे गोलगप्पे। आइए बच तो यार, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ गया। पता नहीं दोपहर में नींद नहीं आई। 12 बजे मैंने किसी का मैसेज देखा, बोला आज व्लॉग अपलोड नहीं किया, फिर उनके लिए व्लॉग अपलोड किया गया। मैंने व्लॉग को अपलोड के लिए डाल दिया था, पता नहीं हुआ ही नहीं था। देखा तो चेक किया तो व्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं है, तो फिर बाद में पता चला व्लॉग अपलोड हुआ ही नहीं है, तो फिर से डाला उसको, एक्सपोर्ट किया फिर यूट्यूब पे, फिर डाला वापस। और उसको अपलोड होने में ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट लगे थे, लेकिन एक्सपोर्ट होने में काफी टाइम लगा था। मैं अपना पर्स भूल गया था गाड़ी में, अब मुझे ना वहाँ पे फिर से जाना पड़ेगा डबल चेक। अब मम्मी तो वहाँ मार्केट में अलग है, अब मैं उनको पिकअप करने जाऊंगा, तो उनको तो कुछ खिला देंगे बाद में, रास्ते में देखते हैं कुछ खिला देंगे। मैं आ गया अपनी फेवरेट जगह पे जहाँ पे मिलता है बहुत टाइप का पानी, सबसे इम्पोर्टेंट हाइजेनिक। बुआ जी देख लो आप, ऐसी जगह खाते हैं गोलगप्पे, यहाँ से कुछ नहीं गिरेगा इनमें। ये तो बचा है मेरा लास्ट, मेरा हो गया ये जीरा, और इसमें मतलब पानी हर टाइप का है और बाकी में बहुत स्ट्रांग फ्लेवर, जीरा वाला मेरा फेवरेट। मैं गाजियाबाद में कहीं गोलगप्पे नहीं खाता, कहीं के भी नहीं। नवीक मार्केट का मेन रोड है ये, नवीक मार्केट के लिए चला था और वहाँ पे वो लगाता है अपनी स्टॉल। पहले देते ये 6 टाइप के पानी का फ्लेवर देते थे, अब इन्होंने कर दिया 7 टाइप का पानी कर दिया। एक मतलब एक पानी के अंदर अलग से स्पाइस डाल के देता और उसे फ्लेवर एकदम ही अलग चेंज हो जाता है, लेकिन मेरा फेवरेट है जीरा वाला। लेट हो गया, हम मम्मी को उठाते हैं। जस्ट अभी मम्मी को फोन आया कि बेटा मैं यहाँ खड़ी हूँ, चुपचाप जल्दी आ जाओ। अब मम्मी को क्या बताऊँ यहाँ क्या कर रहे हैं, चलते हैं। हीरो ड्राइवर, अरे अंकल थोड़ा जल्दी चलाओ या तो रास्ता दे दो। थैंक यू वेरी मच। मन की बात सुन ली। ओ भाई यहाँ पे ट्रैफिक लग गया क्या? नहीं नहीं खुला है खुला है खुला है। ओ भाई बच गए, मुझे लगा लग गया जाम। ट्रैफिक है ना बड़ा जान ले लेता कभी कभार। सो हमने मम्मी को फाइनली पिकअप कर लिया है और मम्मी बैठ रही है, और मम्मी बैठ ही रही है। क्या कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं। कोई भी वेट नहीं करना चाहते कि थोड़ी देर के लिए वेट कर ले कि हाँ सर हमें जान दो हमें जान दो। नहीं वेट नहीं करना, सबको अपने अपनी जल्दी पड़ी हुई है। हो गया है बहुत लेट, मम्मी को कुछ बनाने नहीं देंगे, तो उतना बाहर से पैक करा लेते कुछ बढ़िया था। यहाँ पे पहलवान ढाबा पे आ गए, इसमें मतलब पराठे फराठे बढ़िया बन जाते हैं, आलू प्याज मिर्च। मम्मी ने यहाँ भी बार्गेन कर लिया। फाइनली शॉपिंग हो गई है, अब मैं करूंगा आराम। पहले खाना कुछ खा लेते हैं, पी लेते हैं और फिर आराम करेंगे। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं शायद वीक हो रहा हूँ और मेरी शायद तबीयत भी खराब हो सकती है। सो विश मी कि मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो। सर पे त्योहार है और अभी लाइट्स भी नहीं लगी, लाइट्स भी लगानी है। हमारे सामने वाले भैया ने तो लगवा भी नहीं है। मैं नीला रहा, मैं थक गया हूँ मेरे भाई, प्लीज भाई नहीं है, भाई नहीं है मेरा, जल्दी लेके प्लीज, मुझे उठाना पड़ेगा। तो खाने में वहीं से हमने ले लिया था। इन फाइनल करते हैं आज के इस व्लॉग को खत्म, हो रही है इसकी एंडिंग। मिलते हैं कल के व्लॉग के साथ। कीप कनेक्टेड विद प्रीडेटर के व्लॉग्स एंड बी द पार्ट ऑफ द प्रीडेटर फैमिली जस्ट बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन एंड कमेंटिंग ऑन माय वीडियोस। सिंपल, कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास। व्यूज तो अच्छे खासे अभी चल रहे हैं जैसे भी हैं, लेकिन कमेंट्स नहीं आते भाई, कोई कमेंट ही नहीं करता। कुछ भी अच्छा लगे वो कमेंट कर दो कि हा 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 लोल, कुछ भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।